हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं एकेडमिक का पार्ट लेके आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 6 का सेल्फ इवेलुएशन शीट लेके आई हूँ, जिसको मैंने गूगल फॉर्म में बनाया है। आज मैं उसके आंसर बताऊँगी और इसका लिंक जो है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगी, सो दैट कि पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर देखिए कि कौन कौन से आंसर गलत हैं या कौन कौन से सही हैं, और अगर गलत हैं तो क्यों हैं और उसका रीज़न क्या है उस आंसर का। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो डाला है। और अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो नोटिफिकेशन है या फिर गवर्नमेंट के सर्कुलर्स होते हैं या जॉब या वैकेंसी रिलेटेड है, कई चीज़ें मैं फेसबुक पे डायरेक्ट डालती हूँ फेसबुक ग्रुप पे, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए फिर, और हम इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फिर हम एक एक का हम देखेंगे। ये शीट पे आपको अपना नाम लिखना है, तो मेरा नाम तो आपको पता है अगर आपने वीडियो देखी है, तो ये मैंने लिखा। अब हम आगे करेंगे। हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम, हनी बी किससे हनी बनाता, आपको पता है कि वो नेक्टर से, शहद फ्लावर के नेक्टर से बनाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्टर। दूसरा है एडिबल पार्ट ऑफ स्पिनेच का कौन सा पार्ट खाते हैं, स्पिनेच मीनिंग की साग, साग का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो हम उसका लीफ खाते हैं, तो हम इसको टिक करेंगे। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजेस सनलाइट टू मेक फूड, आपको पता है सनलाइट की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस तो केवल प्लांट करते हैं, एनिमल तो करते नहीं हैं, तो इसमें जो प्लांट का ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो क्या क्या है, कैट, फ्रॉग, स्नेक, तो हमने लिखा कोकोनट ट्री। हमारा अगला है द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे काउज द काउज डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, स्कर्वी किससे होता है, तो जी हाँ दोस्तों, ये विटामिन सी से होता है। अगला है डिफिशियंसी डिजीजे डील्स विथ लैक ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रेन दैट द लीड्स टू स्टंट ग्रोथ, रुक जाता है डिसकलराइजेशन ऑफ हेयर, पैची स्किन, जो भी है थीनिंग ऑफ लेग वीक हो जाता है, ये मे अफेक्ट फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो इसको, इस डिजीज़ को हम क्वासिकोर बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हमने बोला क्वासिकोर। मैरिस्मस भी होता है प्रोटीन से, बट रिकेट्स तो वाइटमिन डी से होता है, ग्वाइटर होता है आयोडीन से, आयोडीन की डिफिशियंसी से। अगला है द वाइटमिन द दैट गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, तो जी हाँ, वाइटमिन सी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि साइट्रस फ्रूट और लेमन वगैरह में होता है। कंपोनेंट विच इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, तो हमारे ग्रोथ और बॉडी के रिपेयर के लिए हमें पता है आपको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी रहता है, फैट भी एनर्जी है, और वाइटमिन जो है डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी देता है, प्रोटीन जो है वो ग्रोथ में करता है, हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कैरियन फीडर, नहीं, इंसेक्टिवर्स, तो इंसेक्ट खाते हैं, नहीं, तो उसको बोलते हैं हम कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स वो एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, तो हमारा प्लांट तो यहाँ दिया नहीं है, एनिमल दिया है, तो हम कार्निवोर्स भरेंगे। बी हाइव क्या होता है, बी का हाइव मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है, प्लेस वेयर बी लीव, जी हाँ, जहाँ पे मधुमक्खियाँ बीज रहती हैं उसको बी हाइव बोलते हैं। कंपोनेंट विच गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये हो गया हमारा फैट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइट्री फाइबर, डाइट्री फाइबर या रफे जो है हमें घास फूस में मिलता है, रेशे वाले चीज़ों में मिलता है, तो होल ग्रेन, होल पल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, किस में नहीं मिलेगा, तो हमें मिल्क में नहीं मिलेगा, मिल्क में प्रोटीन होता है। बाय इनरिच विच टाइप ऑफ फूड इज आर रेफर्ड एज प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है, फैट अगेन एनर्जी गिविंग फूड, और प्रोटेक्टिव फूड को विटामिन एंड मिनरल बोला हमने। अगला है मोहन इज 11 ईयर्स ओल्ड बॉय, ही सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबिसिटी, ओबिसिटी मतलब मोटापा जिसको हो जाता है, तो वो क्या खाता है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन
से भी नहीं होता है, जी हाँ दोस्तों फैट से होता है, फैट लिखेंगे हम। विच पार्ट ऑफ पोटैटो इज एडिबल, पोटैटो का कौन सा पार्ट खाया जाता है? मुझे पता है आप लोग मैक्सिमम लोग बोलेंगे रूट, बट पोटैटो इज नॉट अ रूट, पोटैटो इज स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि उसका जो आई आई का स्ट्रक्चर, जो पोटैटो पे छोटे छोटे आईज होते हैं वो बिल्कुल रिजेंबल होते हैं स्टेम के नोड की तरह, नोड स्टेम का वो पार्ट है जहाँ से नई ब्रांचेज निकलती हैं, तो इसी तरह पोटैटो का भी आई जो है उसकी तरह होता है, नोड की तरह होता है, और जिससे कि नया प्लांट पोटैटो का उसी आई से निकलता है, तो इसीलिए इसे हम स्टेम बोलते हैं। इंग्रेडिएंट कंटेन्स सम कंपोनेंट्स ऑफ दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दिस कंपोनेंट्स आर न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा है, मिनरल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी फॉर बिल्डिंग बोन एंड टीथ, देयर फॉर वी शुड टेक विटामिन सी, विटामिन डी, नहीं ये मिनरल नहीं है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिनरल हैं, तो नीडेड फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, टीथ और बोन्स के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम तो ज़रूरी है, जो मिल्क में भी मिलता है हमें, तो हम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लिख लेंगे। स्वेलिंग ग्लैंड इन नेक एंड मेंटल डिसेबिलिटी फाउंड इन अडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रेन, दीज आर द सिम्टम ऑफ डिफिशियंसी ऑफ, ये ग्वाइटर डिजीज की बात हो रही है, जिसको कि सॉल्ट में हम लेकर के खाते हैं, तो इसको हम आयोडीन डालेंगे। एनिमल विच इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जी हाँ दोस्तों जो दोनों को खाता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। विच व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर, गिवन पिक्चर का नाम क्या है, तो स्प्राउट है, आपको पता है ना ये मूंग का स्प्राउट है, स्प्राउट बहुत ज़्यादा रिच होते हैं किसमें, प्रोटीन में, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको स्प्राउट्स खाना चाहिए। अगला है, द कंपोनेंट ऑफ द फूड दैट डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज एसेंशियल, एसेंशियल कौन सा होता है कंपोनेंट, एनी न्यूट्रिएंट तो नहीं होता है, तो कौन सा इसमें होता है, सॉल्ट एंड वाटर, वाटर एंड ग्लूकोज, रफेज एंड वाटर, सॉल्ट टोमेटो सूप, तो ये होगा हमारा रफेज, रफेज एंड वाटर हम इसमें लगाएंगे, तो हमारा ऐसे करके व्यू स्कोर आ जाएगा, तो हम इसको देख लेंगे और आपको अपने मार्क्स भी पता चल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल लें, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।